अभी हम मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पिछले 10 दिनों से रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है और ये अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम इन अभ्यर्थियों से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है युवा हल्ला बोल प्रदेश अध्यक्ष हीरा बोस। सर, पिछले 10 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? अभी तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं, आज धरने का 10वां दिन है और हमारा सरकार की तरफ से, यहाँ पुलिस वालों की तरफ से डेलीगेशन नहीं हुआ, पहले चीफ सेक्रेटरी साहब से हुआ था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी पैरवी एजी साहब से करवाएंगे और हम बार बार मंत्रियों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी एक जो टीम है वो बोर्ड के चक्कर काट रही है, मंत्रियों के चक्कर काट रही है, अधिकारियों के चक्कर काट रही है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अधिकारियों की गलती है और उसकी वजह से आज ये बेरोजगार यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि 13 तारीख की हियरिंग के अंदर एजी साहब से पैरवी करवा करके हमारा जो पक्ष है उसको एजी साहब उस मजबूती से रखें ताकि आचार संहिता से पहले इनको ज्वाइनिंग मिल जाए। बोर्ड अध्यक्ष से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, बोर्ड अध्यक्ष जी से मेरी रोज़ाना मुलाकात हो रही है और अभी भी मैं इनमें से डेलीगेशन बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड ले जा रहा हूँ। और बोर्ड एक तरह से आश्वस्त किया है कि हमारी एजी साहब से 1 घंटे बातचीत हुई है और बातचीत से यही निकला है कि हम कोशिश यहाँ से करेंगे बोर्ड की तरफ से कि इनकी पैर भी मजबूती से करवाएंगे 13 तारीख की हियरिंग में। प्रदर्शन जब तक मांगे पूरी नहीं होगी जब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। देखिए, ये थे हमारे साथ हीरा बोस और लगातार पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों के लिए ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद है जो रीट शिक्षक भर्ती लेवल 1 की नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं जिनसे हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, पिछले 10 दिनों से आपका प्रदर्शन जारी है, सरकार या शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई आश्वासन मिला? सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं सर, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला है और हम यहाँ लगातार 10 दिन से बैठे हैं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं कि कोई भी विभाग का कोई मंत्री है वो हमसे आकर यहाँ आके सिर्फ आश्वासन दे, यहाँ आके दे तो सही, लेकिन कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बार बार डेलीगेशन के रूप में हमारे साथ के जो चयनित अध्यापक हैं वो जा भी रहे हैं लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किन किन परेशानियों से आपको धरना स्थल पर गुजरना पड़ा? सर, हम बिल्कुल मानसिक रूप से हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। हर एक घर की जो कंडीशन है, आर्थिक स्थिति, वो समान नहीं होती सर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस जॉब के ऊपर, इस नौकरी के ऊपर डिपेंड है कि कब उनकी ज्वाइनिंग होगी और कब उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक होगी, लेकिन 4 से 5 महीने हो गई जो पहले कर्ज लेकर जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया था, सिलेक्शन लिया था, आज वो उनकी जो स्थिति है वो ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। 15,000 को स्कूल नियुक्ति हो गई है और 6,000 की नियुक्ति बाकी है, सरकार आपके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की गलती के कारण आज हम यहाँ सड़कों पर बैठे हैं सर। ये यथास्थिति हम पे लागू नहीं होती। हमारा स्कूल अलॉटमेंट हो चुका है, उन 15,000 जो स्कूल में जा चुके हैं उनके साथ ही हमारा स्कूल आवंटन हुआ था। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों की गलती के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं। कहाँ से आए? सर, मैं हरियाणा से आई हूँ। देखिए, यहाँ पर राजस्थान के बाहर से भी अभ्यर्थी आए हैं और लगातार ही अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 10 दिनों से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पिछले वर्ष रीट लेवल 1 की परीक्षा आयोजित हुई थी और अक्टूबर माह में 15,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति सरकार की तरफ से दे दी गई है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों से 6,000 शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रयासरत है। लगातार हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 4-5 महीनों से आप नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, सरकार को क्या? बिल्कुल, हम नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं, हमें स्कूल वगैरह सब लौट हो गए हैं, फिर भी सरकार नियुक्ति नहीं दे रही है। पहले आचार संहिता लग गई थी, अब कोर्ट में चली गई, तो कोर्ट में सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करवा के हमारी सटे नहीं हटवा रही है, इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कहाँ से आए हैं, किन किन परिस्थिति से आपको अभी गुजर? सर, घर पे भी प्रॉब्लम हो रही है, मानगढ़ से आए हैं, यहाँ पे 400 किलोमीटर दूर आकर बैठे हैं, आज 10-15 दिन हो गए फिर भी कोई बात नहीं सुनी जा रही है। सर, आप कहाँ से? मैं भी हनुमानगढ़ से हूँ सर, L1 का सत्य, नियुक्ति नहीं मिल रही है सर, 7-8 दिन से धरना जारी है, बोर्ड की कामयाब वजह से मेरे धरने में बैठना पड़ रहा है। हमारी एजी नियुक्ति हो गई है, अगर पैरवी कर दे तो हमारी यथास्थिति हट जाए, बस एजी की पैरवी चाहते हैं हम, तो यथास्थिति हटे और सब स्कूल सब अलॉटमेंट हो चुके हैं। देखिए, तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं, लगातार सरकार से अपनी एजी की पैरवी को मजबूती से करवाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पिछले 10 दिनों से इनका प्रदर्शन जारी है, संघर्ष समिति
के पदाधिकारी हैं, उनसे लगातार हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पिछले 10 दिनों से लगातार आपका प्रदर्शन जारी है, शिक्षा मंत्री, बोर्ड या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन? देखो, हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है लेकिन काम नहीं हो रहा। अभी तक 5 हियरिंग हो चुकी हैं लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी 13 तारीख को हियरिंग है, अब इनके आश्वासन को देखते हैं 13 तारीख तक कि इनका आश्वासन कहां तक पहुंचता है। ये सिर्फ आश्वासन ही दे सकते हैं, काम ना तो कोई अधिकारी करना चाहता है ना सरकार करना चाहती है। अब लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि चुनाव हैं आपके, तो आप थोड़ा अच्छे से बच्चों के लिए काम करें, युवाओं के लिए काम करें। आपकी सरकार बनाने में इन युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है और जो युवा ही होती है जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, तो कम से कम इनके लिए तो देखें। हमारी मांग यही है कि एजी साहब पैरवी करने जाएं। एजी साहब पैरवी तभी करेंगे जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनको अपना लेटर भेजेंगे। तो उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एजी साहब को अपना लेटर भेजें और हमारी एजी से पैरवी करवाएं जिससे कि हमारी नियुक्ति हो सके। धन्यवाद। देखिए, तमाम अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती लेवल 1 से जुड़े हुए हैं, लगातार पिछले दिन 10 दिनों से शहीद स्मारक पर अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी सरकार से मुख्य मांग यही है कि जो रीट शिक्षक भर्ती 2022 में कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई थी उसमें 6000 से अधिक पदों पर अभी नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है और इनकी मुख्य मांग यही है जो नियुक्ति प्रक्रिया बाकी है उसको सरकार की तरफ से इन चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। मैं सुनील कुमावत, रमाकांत शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।